हेलो फ्रेंड्स, मैं सुसनियाल द ड्रंक रिव्यूअर। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहे। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक इंडियन ब्लेंडेड विस्की लाया हूँ। यस, ये जो प्रोडक्ट मुझको मिला, ये हर जगह अवेलेबल नहीं है गुवाहाटी में, बट लकीली आज मुझको ये मिल गया और भगवान की दुआ से। तो पेश है आपके सामने रॉयल थंबोर हेरिटेज कलेक्शन। रॉयल थंबोर आप देख सकते हैं, तो बॉटलिंग आप देख सकते हैं, ये हार्ड कार्डबोर्ड का है, लेकिन बहुत ही बहुत मतलब हार्ड है, सख्त है, बहुत ही अच्छा बनाया है। कलर दिया है गोल्डन कलर और वैसे ही नाम रखा है रॉयल रणथंबोर, मतलब रॉयल हेरिटेज का लिखा है हेरिटेज कलेक्शन, तो उसी हिसाब से इसको पैकेजिंग भी बहुत अच्छा किया है। बोतल दिखाऊंगा, बोतल आपको तो बहुत सरप्राइज लगेगा, बहुत सेक्सी लगेगा, ठीक है। सो जो आप देख सकते हैं इसका जो पैकेजिंग के ऊपर देखिए, यहाँ पे रणथंबोर, ये जो टाइगर का सिंबल देगा, तो रणथंबोर में जो टाइगर रिजर्व है उसके ऊपर ही इसका ये नामकरण हुआ है। इस प्रोडक्ट को कौन बनाता है? अरे भाई, रेडिको खेतान लिमिटेड। रेडिको खेतान लिमिटेड जो इतना सारा अच्छा अच्छा विस्की हमारे इंडिया में बना रहा है और दे रहा है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट विस्की। हाँ, और जो रामपुर विस्की है उसका रिव्यू अभी तक मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझको रामपुर नहीं मिला है, क्योंकि रामपुर डिस्ट्रिक्ट में बनता है और रामपुर जो विस्की है वो, तो उसका रिव्यू आने वाला है। वहीं पर यही रॉयल रणथंबोर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होकर मेच्योर होकर बनता है। सो फ्रेंड्स, रॉयल रणथंबोर को आपका ये रेडिको खेतान लिमिटेड ये क्यों लाया? बिकॉज रामपुर का जो प्राइस है और उसका नीचे में कुछ प्राइस में कुछ आ जाइए, तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया रॉयल रणथंबोर। और फ्रेंड्स, रेडिको खेतान का बहुत ज़्यादा ये है, जो जो इंडियन माल विस्की बनाते हैं, ब्रांडेड विस्की बनाते हैं, वो लोग ज़्यादातर एक्सपोर्ट करने के धंधे में रहते हैं, बट फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं जो इंडियन विस्की ऐसा बनाए जो पूरा दुनिया में नाम कर रहे हैं, नाम करे। सो मैं खेतान, इसको रेडिको खेतान को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जो हमारे इंडियन विस्की हम लोग भी बना सकते हैं और वो वर्ल्ड वाइड में आपका इंजॉय करके लोग पी रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये बॉटल है, ये 750 ml का बॉटल है और इसका जो एल्कोहल वॉल्यूम है वो है 42.8% विथ 75 डिग्री प्रूफ। सो ये जो बोतल मेरे गुवाहाटी असम में, इसका प्राइस है 1680 रुपीज़, 1680 रुपीज़, 1680 रुपया, समझ गए। दूसरे स्टेट में इसमें दाम कम वेरी हो सकता है, मैं तो जानता हूँ दिल्ली और वहाँ के साइड में, वहाँ पे इसका प्राइस 1100-1200 के बीच है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा हाई प्राइस में बिक रहा है, तो प्राइसिंग में हिसाब से थोड़ा भाई स्टेट गवर्नमेंट में बोला जाता हूँ, भाई अब हम लोग पीना चाहते हैं, अच्छा पीना चाहते हैं, ठीक है, तो प्राइस थोड़ा कम कीजिए। आप देख सकते हैं सब बॉटल का मेरे पीछे में, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है इसका कलर क्या है, नोजिंग क्या है, पैलेट क्या है, फिनिश क्या है, पर उसमें मैं नहीं जाऊँगा, मैं वो पढ़ा है, बट मैं उसको जब टेस्ट करके तभी बता सकूँगा ये प्रोडक्ट कैसा है, रॉयल रणथंबोर। तो चलिए इसका बोतल निकाल लेते हैं, बोतल कैसा है आप देख सकते हैं, टीन का बोतल है, ये पैकेजिंग है, मतलब कार्डबोर्ड एंड टीन यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छा है। इसका इसको यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको बोतल का ये पैकेजिंग देख सके। सो भाई देखिए, इसका बोतल एक प्रीमियम बोतल दिया गया है और वो राउंड बोतल नहीं है, इसको जैसे कर्व मतलब किया गया है, सुंदर लग रहा है, कितना सेक्सी लग रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बोतल खोल लिया था, ठीक है, कल रात को लाया था, तो रहा नहीं गया था, मैं और मेरा भाई ने 30 ml दो पैक यहाँ से पी लिया है और टेस्ट किया है, ठीक है, रिव्यू तो होता ही रहेगा ऐसा सोच के, ठीक है, तो रिव्यू तो आपके लिए लाना ही है, तो आज ला रहा हूँ। बोतल बहुत ही सेक्सी है, मैं बोल सकता हूँ जो पॉल जॉन अमरुत इसका जो लास्ट में रिव्यू किया था उसमें आप देख सकते हैं, मतलब पॉल जॉन का बोतल बहुत अच्छा सुंदर था, लेकिन अमरुत का बोतल बहुत ही बकवास था, ठीक है, बट रणथंबोर
इसका बोतल देखने से ही प्रीमियम लगता है। तो रेडियो खतन का जो ये खासियत है, उन लोगों का जो भी प्रोडक्ट बनता है, जितना अच्छा अच्छा विस्की वो लोग बनाते हैं, वोडका बनाता है या ब्रांडी बनाते हैं, उन लोगों का बॉटलिंग बहुत ही सुंदर करता है, अच्छा करता है, लोगों को आँख में लगे। सो देरी ना करते हुए, अच्छा उसके पहले इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसका इंग्रेडिएंट्स है आपका डीमिनरल्स वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, इम्पोर्टेड ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच और नेचर कर। तो इसका मतलब है कि इसमें इंडियन ग्रेन विस्की का मिलाया गया है और इम्पोर्ट करके स्कॉच जो विस्की सिंगल मॉल्ट विस्की है उसको इसके साथ ब्लेंड किया गया है और इसका कलर भी नेचुरल है और वाटर है। सो बहुत ही नॉर्मल जो प्रोसीड्यूर होता है वही मेंटेन किया गया है। लेकिन मुझको लगता है इसमें इसका प्रोडक्ट का जो क्यों लाया गया है, इसमें वो स्कॉच विस्की का वो ज़्यादा ये आ रहा है, इसमें कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड का स्कॉच विस्की मिलाया गया है, जो रिसर्च करने के बाद मुझे नहीं मिला क्या मिलाया गया, लेकिन कुछ अच्छा स्कॉच विस्की मिलाया गया है इसमें मॉल्ट और डिस्ट किया गया है, इसलिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन के अभी इंडिया में निकला है। और मेरे हिसाब से जो प्राइस है 1680 रुपया, मेरे गुवाहाटी में थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है लेकिन दिल्ली वहाँ पे 1100, उस प्राइस के हिसाब से ये जस्टिस करता है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते इसको खोलते और टेस्ट करते। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बोतल हाथ में है, इसका जो ऊपर का कॉर्क है देखने में लगता है कॉर्क है, लेकिन ये कॉर्क नहीं है, प्लास्टिक का ही है, दिखाने में कॉर्क लगा हुआ है और स्टिकर मैंने फिर से यहाँ पे थोड़ा चिपका दिया था, थोड़ा चिपक गया है, कोई बात नहीं। अभी देखिए ये जो देखने में कॉर्क है, अभी इसको खोलेंगे तो ऐसा घूम के आता है, और अच्छी बात है सेफ्टी कॉर्क दिया गया है। ठीक है, सो ग्लास में थोड़ा ढाल लेते हैं 30 ml, ओके उससे ज़्यादा नहीं। यस 30 ml आ गया है, मोटर का लगा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बोतल में ग्लास में 30 ml डाल लिया है। इसका कलर थोड़ा गोल्डन कलर है, डार्क गोल्डन कलर और एम्बर जैसा दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेग्स बहुत ही लाइट है। चलिए इसका नोजिंग करते हैं। लाइट स्मोकीनेस है, फ्रूटीनेस आ रहा है जैसे कुछ एप्पल पियर का, थोड़ा फ्लावरी स्वीट फ्लोरल मतलब एक एरोमा आ रहा है, मतलब जैसे फूलों का पूरा एकदम एरोमा आ रहा है, गंध आ रहा है, मतलब एरोमा या बोले सुगंध आ रहा है, गंध नहीं बोलेंगे, सुगंध। थोड़ा सिट्रस ही आ रहा है, नींबू का थोड़ा सिट्रस ही आ रहा है। नोजिंग में इतना अच्छा ये दे रहा है। सो फ्रेंड्स, रहा नहीं जा रहा है, चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं, बताते कैसा है। चीयर्स गाइस। वार्मनेस है, नोट स्मूथ नहीं है, एकदम जलाते जलाते हुआ गया है, स्मोकीनेस नहीं है। मतलब मैं बोल सकता हूँ इसको नीट पिया नहीं जाता है, इसमें थोड़ा सा पानी या आइस मिला के पीजिए तब इसका टेस्ट हो सकता है, थोड़ा चेंज होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, तब उसका टेस्ट होगा। अभी जाने के बाद थोड़ा पाई जो होता है, केक पाई, उसका ये आ रहा है, पियर्स का आ रहा है, स्पाइसीनेस आ रहा है, और एक बार ट्राई करता हूँ। स्मोकीनेस बहुत ही है भाई, स्मोकीनेस बहुत है, और बटरनेस भी है इसमें। केक का जैसे कोई होता है ना, केक जैसे केक रख दिया हुआ एक दिन बाद खाओ, उसका थोड़ा टेस्ट आ रहा है, ऐसा है, उस केक टाइप का टेस्ट आ रहा है। एप्पल का भी ऊपर आ रहा है, एप्पल, यस। सो फ्रेंड्स, मैं तो इसको टेस्ट कर लिया और मुझको ये प्रोडक्ट रॉयल रणथंभौर, मैं बोल सकता हूँ
प्राइसिंग हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्राइस में बेच रहे हैं। प्राइस के हिसाब से मैं इसको 10 में से 8 दूंगा, और जो बॉटलिंग का डिज़ाइन है उसमें 10 में से 9.5 दूंगा। बढ़िया बोतल बनाया है, और जो टेस्ट है इस प्राइस में जो टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं उसको भी 10 में से 8.5 दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा पॉल जॉन, और इसको अगर रॉयल रणथंभौर और पॉल जॉन का मैं ये करूँ, निर्वाणा, तो मेरे ये कैटेगरी में दोनों बहुत सही बैठते हैं, ठीक ही जगह में है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मुझको बहुत अच्छा लगा। बट अमृत का मैं बहुत ही मुझे डिसअपॉइंट लगा, दाम ज़्यादा दर्शन छोटा लगा, लेकिन पॉल जॉन और आज रॉयल रणथंभौर बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो मैं तो भाई आपको रिकमेंड करूँगा, आप रॉयल रणथंभौर पीजिए, और घर में आपका कलेक्शन अगर बनाते हैं तो वहाँ पे रखिए। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू रॉयल रणथंभौर आपका रॉयल हेरिटेज कलेक्शन विस्की का? सो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा, और मेरा ये वीडियो जो रॉयल रणथंभौर का रिव्यू बनाया है, प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि भाई आप लोग का प्यारी चाहिए, आप लोग का सब्सक्रिप्शन चाहिए, और लाइक शेयर करना मत भूलिए। सो फिर मिलते हैं सुपर फाइनल ड्रंक रिव्यूअर किसी और विस्की वाइन रम एसेट्रा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। गुड नाइट गाइज़।